नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज सेहत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवारी। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास अपनी सेहत के बारे में सोचने का मौका नहीं मिल पा रहा। ऐसे में कई बीमारियां शरीर को अपना घर बना लेती हैं, पता नहीं चलता, जिसकी वजह से कई बार हमें मौत का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन इस तरह की बीमारियों से घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। वक्त पर इलाज से इन रोगों से छुटकारा पाया जा सकता है। आज हम स्वराज सेहत में हम बात करेंगे दिल की बीमारी के बारे में। आपको बताएंगे दिल की बीमारी होती क्या है और ये जेनेटिक भी होती है। अगर आपके माता पिता को दिल की बीमारी है तो इसका खतरा आपको भी हो सकता है। यही वजह है कि बच्चों में 25% तक दिल की बीमारी का खतरा होता है। डॉक्टरों का मानना है कि अगर आप डायबिटीज से पीड़ित हैं तो भी आपको दिल की बीमारी का खतरा हो सकता है। इसके अलावा अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और आप मोटापे का शिकार हैं तो आपको दिल की बीमारी का खतरा हो सकता है। लेकिन इस बीमारी को दूर भी किया जा सकता है। तनाव कम करने से इस बीमारी में फायदा होता है। इसके लिए आप योग का सहारा भी ले सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर की सलाह और नियमित चेकअप से भी दिल की बीमारी से बचा जा सकता है। तो आज हम आपको बताएंगे स्वराज सेहत में दिल की बीमारी आखिर क्या होती है। और रायपुर स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, जो MD DM कार्डियोलॉजी है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से हम देखें आजकल जो है दिल की बीमारी बहुत आम हो चली है, अगर अगर हम बात करें गांव से 3 गुना ज्यादा बीमारी जो है शहर में देखने को मिल रही है दिल की बीमारी, आखिर क्या है वजह और दिल की बीमारी होती क्या है, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, इसका प्रमुख कारण ये है कि आजकल वेस्टर्नाइजेशन ऑफ द सोसाइटी हो गया है, पाश्चात्य रूप हो गया है सोसाइटी का। तो इसमें यह है, सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर जो है वो है स्मोकिंग। तो स्मोकिंग का इंसिडेंस पहले के मुकाबले आजकल स्मोकिंग का इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है। एक दूसरी बात है फिजिकल इनएक्टिविटी, मतलब अब एक्सरसाइज करने वाले लोग बहुत कम ही रह गए हैं। लोग अब दौड़ना भागना, वर्क प्लेस में काम करना बहुत कम कर चुके हैं जी। तो मैक्सिमम लोग बैठे ही रहते हैं। और ऐसा स्टडी में पाया गया है, अगर आप एक जगह में 3 घंटे से ज्यादा बैठ के रहते हैं तो आपके हृदय का स्ट्रोक होने का रिस्क 2 गुना बढ़ जाता है। तो पहली बात हुई स्मोकिंग की, दूसरी बात हुई फिजिकल इनएक्टिविटी की, तीसरी बात हुई मोटापा जी। तो मोटापा आज लोगों का सबसे बड़ा सरदर्द बन रखा है जी। तो अगर ये 3 चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाए तो ये गांव और शहरों में जो फर्क है, तो शहरों में भी इस बीमारी का इंसिडेंस जो है कम किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कार्डियक अरेस्ट होता क्या है। लोग बातें तो करते हैं पर उन्हें मतलब नहीं पता होता इसका। देखिए, कार्डियक अरेस्ट मतलब, कार्डियक मतलब होता है दिल, हृदय। अरेस्ट मतलब रुक जाना जी। तो किसी कारण वजह अगर हमारा हृदय सडन बीट करना बंद कर देता है तो उसको कार्डियक अरेस्ट बोला जाता है जी। और ये एक बहुत ब्रॉड टर्म है। कार्डियक अरेस्ट किसी भी कारण वजह से हो सकता है, लेकिन उसमें मुख्यतः सबसे बड़ा कारण वो होता है, वो उसको बोलते हैं हार्ट अटैक या हार्ट का स्ट्रोक। उसकी वजह से मैक्सिमम लोगों का जो कार्डियक अरेस्ट होता है उसका मेन कारण जो होता है वो होता है हार्ट अटैक। कुछ ऐसी चीजें जो हमें संकेत देती हैं कि हमें हार्ट अटैक होने वाला है, ऐसी कोई चीजें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कुछ लोग होते हैं किसी को पहले दर्द होने लगता है सीने में या घबराहट होने लगती है, बहुत सारी तमाम चीजें होती हैं। तो ऐसी कोई चीज जिस पर ध्यान दिया जा सके और पता चले हमें ऐसी बीमारी हो सकती है। जी बिल्कुल, इसका अंदेशा होता है जी। ऐसा है, अगर अगर किसी व्यक्ति को व्यक्ति पुरुष किसी को अगर रास्ते में चलते समय या कुछ ऊपर सीढ़ी चढ़ते समय अगर ऐसा लगे कि छाती में कुछ वजन रखा है, जैसा भारीपन लग रहा है, या गले के नीचे दर्द हो रहा है, या फिर सांस फूल रहा है जो कि पहले नहीं होता था, यह एक अंदेशा है कि हो सकता है हार्ट में कहीं पर ब्लॉक है। दूसरी बात है, जिन व्यक्तियों को ऑलरेडी रिस्क फैक्टर है, मतलब अगर डायबिटीज पेशेंट है, मोटापा है, घर में ऑलरेडी 2-3 लोगों को भाई बहन या माता पिता किन्हीं को हार्ट का प्रॉब्लम है, स्मोकर हैं, तो और उनको अगर ये तकलीफ होती है तो इसका अंदेशा बहुत ही ज्यादा हो जाता है कि इनको हार्ट का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। इन पेशेंट्स को स्पेसिफिकली बहुत जल्दी जाकर एक चेकअप करना चाहिए।
हृदय का सारा टेस्ट करवा लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, जेनेटिक बीमारी भी ये कही जाती है, जेनेटिक की वजह से भी ये बीमारी होती है और लगातार बढ़ती जाती है, तो आखिर क्यों ऐसा होता है और क्या लापरवाहियां होती हैं जो बढ़ती जाती हैं, जिस वजह से जो आने वाली पीढ़ी होती है, आने वाला बच्चा होता है, उसमें भी हो जाती है, आखिर क्या वजह है उसके पीछे? जी जी, जेनेटिक्स डेफिनेटली जेनेटिक्स का एक रोल है और एक बहुत बड़ा रोल है हार्ट के डिजीज में। सबसे बड़ी बात है, हम जब भी हम हमारे पास कोई भी हृदय का रोगी आता है तो हम उनसे पूछा जाता है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है। फैमिली हिस्ट्री मतलब उनके अगर कोई भी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव पेशेंट हैं, मतलब उनके भाई बहन, मम्मी पापा, अगर किन्हीं को हार्ट का प्रॉब्लम है और खासकर अगर उनके घर में किसी के 55 साल से कम उम्र के महिला या 65 साल से कम उम्र के पुरुष को अगर हार्ट का प्रॉब्लम हुआ है, तो इसको इंग्लिश हमारे मेडिकल भाषा में बोला जाता है प्रीमेच्योर कार्डियोवास्कुलर डिजीज। अगर ये है तो ये जो रिस्क फैक्टर है ये है नॉन मॉडिफाइबल, इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो इस वजह से ऐसे पेशेंट्स लोगों को हम एवरी 6 मंथ या 1 ईयर में स्क्रीनिंग टेस्ट करने के लिए बोलते हैं और उनको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए बोलते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल इन द सेंस ऐसा है कि डाइट और एक्सरसाइज दोनों, स्ट्रिक्ट डाइट पे रहें और अच्छी एक्सरसाइज करें और रेगुलर इंटरवल में चेकअप करें। ऐसा करने से हो सकता है हार्ट अटैक आने से पहले हम उसका ट्रीटमेंट कर सकें और एक जान को, एक बहुमूल्य जान को बचा सकें। डॉक्टर साहब, जेनेटिक तो जैसे बात हुई, आपने कहा कि ये चेकअप करते हैं और सबसे पहले पूछते हैं कि आपके परिवार में कौन कौन है, क्या बीमारी ये किसी को है, पर मेरा सवाल ये भी है आपसे, जो महिलाएं गर्भवती होती हैं वो अगर उनके अंदर ये प्रॉब्लम है या हस्बैंड के अंदर प्रॉब्लम है, दिल की प्रॉब्लम है, तो क्या कैसे बचा जा सकता है कि जो महिला अपने बच्चे को जन्म देने वाली है उसे इससे कैसे बचा सकती है? नहीं, उससे उसको इससे बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसको पीरियोडिक एवरी 6 मंथ 1 ईयर में आफ्टर द एज ऑफ 30 और 40 ईयर्स में स्क्रीनिंग किया जाए, रेगुलर कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट किया जाए, हार्ट का टेस्ट किया जाए, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन किया जाए, डाइट पे रखा जाए, इसके सिवा दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं। अभी स्टेम सेल का जो ट्रीटमेंट है वो उतना अभी क्लिनिकल लेवल पे आया नहीं है। इन फ्यूचर कोर्स में स्टेम सेल का ट्रीटमेंट आ जाए तो हो सकता है इस बीमारी से पूरी तरह से क्योर पाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा हार्ट कितना हेल्दी है? जी, ऐसा है, अगर जैसे हम लोग जो एक्सरसाइज करने जाते हैं जिम पे, अगर ऐसा है कि वो अगर दो फ्लोर सीढ़ी अगर बिना सांस फूले, बिना छाती में दर्द हुए अगर चढ़ जाते हैं तो सामान्यतः मान लिया जाता है कि उनका हार्ट प्राय हेल्दी है। जी। दूसरी बात है, अगर उनको रिस्क फैक्टर नहीं है, लाइक जैसे कि डायबिटीज, मोटापा, स्मोकिंग, फैमिली हिस्ट्री नहीं है, और ये सब मैंने जैसा कहा कि अगर 2 स्टेयर 3 स्टेयर सीढ़ी चढ़ जा रहे हैं, 3-4 किलोमीटर आराम से जॉगिंग कर ले रहे हैं, कुछ तकलीफ नहीं होता, तो सामान्यतः मान लिया जाता है कि इनका हार्ट ऑलमोस्ट हेल्दी है। डॉक्टर साहब, हमारे हार्ट पर और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा प्रभाव डालती हैं, जैसे आवाज की हम बात करें, पॉल्यूशन की हम बात करें, साउंड पॉल्यूशन की हम बात करें, तो क्या इससे भी प्रभाव पड़ता है हमारे हार्ट पर? बिल्कुल, अब जो है ये एयर पॉल्यूशन और साउंड पॉल्यूशन ये अभी हमारे कार्डियक हेल्थ में एक नया चैप्टर ऐड हो गया है। जी। अब स्टडीज में देखा गया है कि एयर पॉल्यूशन का लेवल भी जो अपने पार्टिकुलेट डेंसिटी एक सर्टेन लेवल 100 या 200 के ऊपर जब आता है तो डेफिनेटली कार्डियक हेल्थ में भी इसका एक बैड इफेक्ट है। साउंड पॉल्यूशन का तो डेफिनेटली इसका एक बैड इफेक्ट है। इवन जो आजकल के जनरेशन जो जिस हिसाब से मोबाइल का यूज हो रहा है, मोबाइल से जो रेडिएशन जो होता है या आपके घर के पास में जो टावर लगे रहते हैं उस पर जो रेडिएशन यूज होता है, इसका भी डेफिनेटली अपने कार्डियक हेल्थ पे बैड इफेक्ट है। तो हम लोगों को इन सब का ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, कई बार हमारे सीने में दर्द होता है और कई सारे भ्रम भी होते हैं कि ये चीजें हो सकती हैं, वो हो सकती हैं, तो आखिर क्या वजह है जो हमारे सीने में दर्द होता है? क्या वाकई में वो हार्ट डिजीज से रिलेटेड है या वो कुछ और भी चीजें हो सकती हैं, हमारा रेगुलर जो रूटीन रहता है वो खराब होने से भी हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि हर सीने में दर्द हार्ट अटैक है, ऐसा नहीं है, लेकिन
हर सीने के दर्द को पहले एक फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट से दिखा लें, अगर वो आपके डिटेल क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर लिए और एक छोटा ईसीजी कर लिए, अगर सब कुछ नॉर्मल है तब आप मान लें कि ये हार्ट का कोई प्रॉब्लम है नहीं, तब आप आराम से कोई जस्ट एक या दो दिन के लिए पेन किलर लेके आप उसमें रह सकते हैं और आपका ये जो सीने का दर्द है ये ठीक हो जाए। डेफिनेटली ये है कि हर सीने का दर्द हार्ट अटैक नहीं होता है। डॉक्टर साहब, कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि मीठा खाने से लोगों को सीने में बहुत दर्द होता है, उसके पीछे की क्या वजह रहती है? नहीं, मीठा खाने से सीने में दर्द अगर होता है तो यह डेफिनेटली हमारे खाने के नली में कहीं प्रॉब्लम है। अगर खाने के नली में जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है वो होता है इसोफेगस, अगर इसोफेगस में भी अगर कहीं प्रॉब्लम है तो और आपको खाते साथ ही अगर छाती में कहीं पर दर्द हो रहा है, इसका मतलब आपको कहीं पर इसोफेगस में कहीं प्रॉब्लम है। इस बीमारी से निजात पाने के लिए आपको एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का हेल्प लेना चाहिए। जी, बट उससे पहले ये हार्ट का प्रॉब्लम है या नहीं है वो एक्सक्लूड कर लें, फिर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाकर ये एक्सक्लूड कर लें कि कहीं पेट के नली का कहीं कुछ तकलीफ है क्या। डॉक्टर साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगी। सतना से रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, अपना सवाल करें। नमस्ते सर, मेरा सवाल आपसे ये था कि जैसे मेरी दादी हैं तो उनको बीपी की प्रॉब्लम आती रहती है, उनका कभी भी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो उनको क्या दिल की समस्या कुछ हो सकती है, बीपी की अलग ही परेशानी है? जी देखिए, जो बीपी जो होता है, ब्लड प्रेशर हर हार्ट की समस्या का मूल कारण होता है। और क्योंकि ये दादी जी का एज भी है, ये एज पे हार्ट की कोई भी बीमारी होना लाजमी है, तो आप पहले एक अच्छी तरह से एक फिजिशियन के पास या कार्डियोलॉजिस्ट के पास में ये चेकअप करवा लें, फिर श्योर हो जाएं। मैं ये नहीं कहता कि बीपी से उनके हार्ट का प्रॉब्लम है, बट ये चेकअप करने के बाद ही हम श्योर होना चाहिए कि इनको अब कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब, छोटी सी उम्र में ही बीपी की प्रॉब्लम आजकल नॉर्मल हो गई है, हर किसी को बीपी की प्रॉब्लम होती है, किसी का लो हो जाता है, किसी का हाई हो जाता है, तो क्या इसमें कोई कनेक्शन है हार्ट डिसीज से इसका? नहीं, एक बार आप अगर ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन बीमारी के अगर बीमारी से ग्रस्त हैं तो आपको हार्ट प्रॉब्लम का रिस्क तो रहता ही है, चाहे वो छोटी उम्र में ब्लड प्रेशर हो या बड़ी उम्र में ब्लड प्रेशर हो। बट जब छोटी उम्र में जो बीपी होता है उसका कोई सेकेंडरी कारण होता है, प्रायता देखा गया है, तो अगर हम उस कारण को अगर ट्रीटमेंट कर ले तो हो सकता है उनका जो ब्लड प्रेशर है वो पूरी तरह से क्योर हो जाए, और अगर ब्लड प्रेशर पूरी तरह से क्योर हो जाए तो आगे हार्ट की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। डॉक्टर साहब, लोग भी कंफ्यूज रहते हैं कि हम कौन सी उम्र में जो है जांच कराएं, हमें कब पता चलेगा कि हमें ऐसी कोई बीमारी है या नहीं है, और रूटीन चेकअप में क्या इसकी जांच हो सकती है, और आखिर किस उम्र तक आकर हम ये जो है टेस्ट कराएं? जी जी, एज पर साइंटिफिक गाइडलाइन के हिसाब से हर मेल को 40 साल के बाद, हर फीमेल को मेनोपॉज के बाद तो 100% जाके एक प्रिवेंटिव कार्डियक चेकअप करना चाहिए। प्रिवेंटिव कार्डियक चेकअप में एक सामान्यतः कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें लिपिड कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट होता है, आपके शुगर के टेस्ट होते हैं, कुछ किडनी के टेस्ट होते हैं, और फिर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। जी साधना जी, सुन पा रही हैं आप? हेलो साधना जी, सवाल कीजिए। साधना जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, आपके टीवी का वॉल्यूम शायद ज्यादा है, उस वजह से हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं। मुझे जो है ना बीपी, शुगर और सर्वाइकल है। जी, क्या पूछना चाहती हैं साधना जी? मैंने कम कर दिया सर। जी हाँ जी, मैं सर मुझे बीपी, शुगर और सर्वाइकल है। जी हाँ, तो उसके लिए मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रही थी कि मैं मतलब पैरों में मेरे दर्द रहता है, हाथ में दर्द रहता है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके सवाल का जवाब अभी ही डॉक्टर साहब बता देंगे। जी डॉक्टर साहब, देखिए साधना जी, आपको बीपी है, आपको शुगर है और आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, मैं जहाँ तक सुन सका हूँ,
तो आपके जो हाथों में दर्द है हो सकता है वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की वजह से हो। जी और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए आपको एक प्रॉपरली एक एक न्यूरोसर्जन या ऑर्थोपेडिक्स का हेल्प लेना चाहिए। अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की वजह से अगर हाथों में दर्द है, इसका मतलब कहीं पर स्पाइनल कॉर्ड में कंप्रेशन हो रहा है, उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट हो तो शायद आपके हाथों का दर्द ठीक हो जाए। दूसरी बात है आपके पाँव का जो दर्द है, क्योंकि आपको डायबिटीज है, हो सकता है डायबिटीज से डायबिटिक न्यूरोपैथी होता है, जो नर्व का प्रॉब्लम होता है उसकी वजह से आपको पाँव में दर्द हो रहा हो। तीसरी बात है क्योंकि आप, आपकी उम्र क्या है मुझे मालूम नहीं है, आपको शुगर है, आपको ब्लड प्रेशर है, तो आपको 100% आपको ये चाहिए कि आप एक प्रिवेंटिव हार्ट चेकअप जरूर करवाएं। प्रिवेंटिव हार्ट चेकअप में आप आपका कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाएं, आपका ECG करवाएं और आपका एक इकोकार्डियोग्राफी कराएं। अगर उस पर कुछ मिलता है तो फिर ट्रेडमिल टेस्ट कराना चाहिए। जी होशंगाबाद से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करें। डॉक्टर साहब ये B12 विटामिन बढ़ाने के लिए वेजिटेरियन को क्या खाना चाहिए? हेलो डॉक्टर साहब, मैं आपका क्वेश्चन थोड़ा नहीं सुन सका, एक बार अपना सवाल फिर से रिपीट कीजिए। हाँ जी सर, ये B12 विटामिन बढ़ाने के लिए शुद्ध शाकाहारी क्या खाना चाहिए? हम वेजिटेरियन है प्योर। देखिए B12 अगर आप यूजुअली जो हम MBBS के लेवल से पढ़ते हुए आए हैं, यूजुअली वेजिटेरियन डाइट में B12 का जो मात्रा है बहुत कम होता है, ठीक है। फिर भी क्योंकि आप स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हैं तो आप दूध दही, आप सोयाबीन ले सकते हैं, आप ग्रीन वेजिटेबल ले सकते हैं, फिर भी इनकी इनमें जितनी B12 की मात्रा है वो आपके शरीर के लिए सफिशियंट नहीं है। तो आप अपनी B12 की एक मात्रा जाँच करवा लें। आप अगर B12 डिफिशियंट हैं तो B12 के कैप्सूल या इंजेक्शन आप कुछ भी ले सकते हैं और ये बहुत जरूरी है। जी एक और कॉलर हमारे साथ अंशुल अग्रवाल जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछे। हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हाँ मैम, मैं कुरवा डिस्ट्रिक्ट से अंशुल अग्रवाल बोल रहा हूँ। जी बोलिए, सवाल कीजिए आप विवेक। हाँ मैम मेरे पापा को शुगर BP दोनों है जी। हेलो जी जी हाँ सर, मेरे पापा को शुगर और शुगर BP दोनों है, उनके हाँ जी, उनके पैरों में थोड़ी जी सुन रहा हूँ, हाँ उनके पैर में भी थोड़ी स्वेलिंग आ गई है। हाँ तो मैं कंटिन्यू सर RST वगैरह का चेकअप कराते रहता हूँ सर। हाँ मैं कंटिन्यू जी, हाँ सर मैं कंटिन्यू RST वगैरह का चेकअप करवाते रहता हूँ जी। तो जी अंशुल देखो, आप तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि आप RST चेकअप कराते रहते हैं, क्योंकि आपके पापा को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, तो पाँव फूलने का 2-3 कारण हो सकता है। एक तो डायबिटीज की वजह से किडनी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, तो इससे किडनी से प्रोटीन का ज़्यादा यूरिन में चले जाता है। जब शरीर से प्रोटीन जाता है तो शरीर में प्रोटीन की कमी होती है, शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो शरीर में सूजन आ जाता है, ये एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये है क्योंकि आपके पापा को डायबिटीज है तो हार्ट का चेकअप कंपलसरी करा लेना चाहिए। अगर हार्ट में अगर पंपिंग कम हो तब भी पाँव में सूजन आ सकता है। तीसरा कारण है मेडिसिंस, अगर ऐसी कोई मेडिसिंस लिए, कई BP की टैबलेट होती हैं जिससे भी पाँव का सूजन होता है, अगर उसकी वजह से है तो वो मेडिसिन चेंज करके दूसरी मेडिसिन करें तो शायद आपके पापा ठीक हो जाएं। चलिए मैं डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे उम्र की बात कर रहे थे, आखिर कौन सी उम्र में जाकर हमें सोचना चाहिए कि हमें हृदय रोग हो सकता है, हमें जांच करानी चाहिए। आपने बताया अभी कि 40 की उम्र के बाद जो है पुरुषों को जांच करानी चाहिए और मेनोपॉज के बाद महिलाओं को, और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं जिसे हम ध्यान में रखें और जांच कराएं? देखिए अगर किसी अब कई लोग ऐसे जब हमारे पास आते हैं तो वो ये बोलते हैं कि सर मैं अभी तक ठीक था, 1 महीने से मैं जब रास्ते पे चल रहा हूँ, मैं रेगुलर जॉगिंग करता था, अब लेकिन मैं जॉगिंग 1 किलोमीटर करता हूँ तभी थक जाता हूँ। ये भी एक सिम्टम है कि इनको शायद कहीं पर कुछ ब्लॉक हो रहा है जी। ऐसे कौन कौन से मरीज हैं? अगर किसी प्लीज आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ
तो ये एक सबसे बड़ा कारण होता है। दूसरी बात है, अगर जिन लोगों को ऑलरेडी अगर ब्लड प्रेशर शुगर की शिकायत है, तो उन लोगों को तो सिम्टम होने से पहले ही 40 साल के बाद हर साल में एक बार चेकअप करा लेना बहुत जरूरी है। और ऐसे कौन से सबसे ज्यादा मरीज होंगे डॉक्टर साहब जिन्हें अपने हृदय की जांच करवानी ही चाहिए? सबसे ज्यादा मरीज होते हैं डायबिटीज के पेशेंट जी। डायबिटीज मेलाइटस एक ऐसी बीमारी है जो आपके हेड टू टो कहीं पर भी इन्वॉल्व हो सकता है। और डायबिटीज पेशेंट्स में कोरोनरी आर्टरी डिजीज, यानी जिनको हम नॉर्मल भाषा में हार्ट अटैक का बोल, सबसे ज्यादा इंसिडेंस डायबिटीज पेशेंट्स को है। सो डायबिटीज पेशेंट्स चाहे वो 40 साल से कम भी हैं, उनको मिनिमम साल में एक बार तो हार्ट का चेकअप कराना चाहिए। अगर वो हार्ट के बीमार नहीं है तो हार्ट हर साल में एक बार चेकअप करा लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, बहुत अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, दर्शकों को आप बताएं ऐसे कौन से उपचार होंगे, कौन सा विकल्प होगा उपचार का जो लाभदायक हो सकता है जो इससे पीड़ित हैं, और ऐसे कौन से घरेलू उपचार भी होंगे जो आप दर्शकों को बताना चाहें जो उनके लिए बहुत फायदेमंद रहे? देखिए, मैं पहले घरेलू उपचार पे जाऊंगा क्योंकि मैं खुद एक जिम फ्रीक हूँ, मैं खुद एक्सरसाइज पे बहुत ध्यान देता हूँ, तो मैं पहले घरेलू उपचार पे जाऊंगा। पहले मैं डाइट पे आता हूँ। डाइट में हेल्दी डाइट बोला जाता है कि आप सब्जियों का ज्यादा इस्तेमाल करें, सलाद का ज्यादा इस्तेमाल करें, दूध दही खाएं जी। आप दूध दही का इस्तेमाल ज्यादा करें, स्मोकिंग बंद करें, अल्कोहल की मात्रा को कम करके धीरे धीरे बंद करें, और डेली आपके रूटीन में जैसे हम 3 टाइम खाना खाते हैं वैसे 1 टाइम तो एक्सरसाइज करना ही है। अगर हम डेली 1 टाइम एक्सरसाइज नहीं भी कर सकते हैं तो हमको ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि 1 सप्ताह में 150 मिनट का एक्सरसाइज तो जरूरी है जी। और वो एक्सरसाइज अगर एरोबिक एक्सरसाइज हो, जैसे आप ट्रेडमिल में चल रहे हैं, रास्ते पे चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत लाभदायक है। दूसरी बात है मेडिसिन की, तो को हार्ट अटैक हुआ नहीं है लेकिन हमको ऐसा लगता है कि इनको रिस्क ज्यादा है, तो हम उनको पहले से ही कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई पे रखते हैं जिसको स्टैटिन बोला जाता है। अगर नियम के साइंटिफिक गाइडलाइन के हिसाब से हर डायबिटीज पेशेंट 40 साल से ऊपर का डायबिटिक पेशेंट अगर है तो उनको कोलेस्ट्रॉल की एक टैबलेट देनी चाहिए। साइंटिफिक ट्रायल्स में ये पाया गया है कि एक टैबलेट कोलेस्ट्रॉल कम करने की एक टैबलेट से हार्ट अटैक का इंसिडेंस को बहुत कम किया जा सकता है जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया फिटनेस फ्रीक होना बहुत जरूरी है, आप भी हैं, पर हम देखिए दावे तो हर कोई करता है, बातें करता है, हमें फिटनेस फ्रीक बनना है और डेली रूटीन भी बनाना है, पर कहीं ना कहीं क्या जिमिंग एक नेगेटिव रोल प्ले करती है क्या हार्ट डिसीज के लिए? वेट लिफ्टिंग करना और भी तमाम चीजें जो जिम में रहती हैं, क्या उससे उस पर प्रभाव पड़ता है कुछ? जी जी, देखिए अगर रोकना चाहूंगी सर आपको यहाँ पर, कोरिया से दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, सवाल करें। मैम, क्या है, मेरा 15-20 दिन से सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रहे हैं जी। सांस लेता हूँ तो बहुत दिक्कत होते हैं। आपने डॉक्टर को दिखाया अभी तक? डॉक्टर को नहीं दिखाया मैडम। डॉक्टर साहब, इनकी उम्र कितनी है? 27 सर। दीपक जी, आपकी उम्र कितनी है? 27 सर। देखिए, आपको 27 साल है। हाँ, 27 साल है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इसका कारण बहुत सारा हो सकता है। इसका कारण हो सकता है आपके लंग्स में कहीं पर इन्फेक्शन हो, आपको अस्थमा हो। पहले तो आप एक फिजिशियन के पास में चेकअप करवाएं कि आपको है क्या, है ना। अगर वो आपके एक एक्सरे लेंगे, नॉर्मल टेस्ट करेंगे, आपको क्लिनिकली एग्जामिन करेंगे, अगर उनको फिजिशियन को लगता है कि नहीं आपके लंग्स में कोई तकलीफ नहीं है तो फिर वो कार्डियोलॉजिस्ट को बोलेंगे। लेकिन 27 साल की उम्र है, बहुत कम मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई हार्ट की तकलीफ होगी पहले। बट जो भी हो, आप पहले एक फिजिशियन के यहाँ जाके चेकअप करवाएं। अगर लंग्स में कुछ इन्फेक्शन है तो सामान्यतः कुछ एंटीबायोटिक से आपका ये ठीक हो सकता है।
चलिए, वक्त तो हो चला है कि सिलसिला खत्म करें, उससे पहले मैं डॉक्टर साहब चाहूंगी कि कुछ अहम बातें जो आप दर्शकों को बताना चाहें, किन चीजों से बच सकते हैं और क्या कुछ चीजें अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं कि वो अपने जो दिल को है, अपने स्वास्थ्य को है, अच्छा रख सके। देखिए, एक तो पहली बात है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो हमको पहली बात है कि स्मोकिंग, अगर कोई स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग को छोड़ना ही है, स्मोकिंग इज वेरी डेंजरस टू हेल्थ। दूसरी बात है, खाने पे हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। थर्ड चीज है आपके वर्क, जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर स्ट्रेस फ्री रहिए आप। अगर स्ट्रेसफुल लाइफ रहेगा तो वो एक मेजर रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक के लिए। चौथी बात है, आपके डेली रूटीन में आप एक्सरसाइज, इन कोई भी फॉर्म में हो, आप सामान्यतः रास्ते पे चलिए, फील्ड पे दौड़िए, अगर आप डेली रूटीन पे एक्सरसाइज को अगर इंक्लूड करेंगे तो मेरा ये मानना है कि आप हार्ट के कोई भी बीमारी से दूर रह सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी तमाम अहम जानकारियां जो हैं दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो स्वराज सेहत में आज इतना ही, बाकी खबरों के लिए, अपडेट के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।